أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. ترجمة. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں ہرگز مردہ خیال بھی نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں انہیں جنت کی نعمتوں کا رزق دیا جاتا ہے وہ حیات جاودانی کی ان نعمتوں پر فرحاں و شاداں رہتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرما رکھی ہیں اور اپنے ان پچھلوں سے بھی جو تاحال ان سے نہیں مل سکے انہیں ایمان
और ताअत की राह पर देखकर खुश होते हैं कि इन पर भी न कोई खौफ होगा और न वो रंजीदा होंगे। सदकल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर। और मैं आपको रमज़ान इश्क है सहरी ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहूँगी। आपने आयते करीमा की तिलावत समाअत फरमाई और आज तिलावत जो है क़ारी फैसल चिश्ती ने ये सआदत हासिल की। जो आयते करीमा आपके सामने तिलावत की गई उनके तर्जमे के मुताबिक जो हमारा मुसलमानों का ईमान और अकीदा है कि हर वो शख्स जिसने अल्लाह की खातिर अल्लाह की राह में जान दी वो ज़िंदा है और वो अल्लाह के हाथ से अपना रिस्क पाता है। ये हमारा वो शहीद की बका का और उसकी हयात का वो वादा है जो कि रब ताला ने कुरान पाक में जिसका जिक्र फरमाया और हमारा इसमें ईमान है। आज हम एक ऐसी ही आली मर्तबर शख्सियत का जिक्र करेंगे अपनी इस महफिल में जिनको सिर्फ ये दर्जा नहीं बल्कि और बहुत सारे दर्जात जो हैं वो हासिल हैं। ये सूरह शूरा की आय मुबारक जिसने हमेशा मेरे दिल को बहुत तड़पाया है कि फरमा दीजिए मैं तुमसे कोई अजर रिसालत नहीं मांगता सिवाय इसके कि तुम मेरे किराबत दारों के साथ मुअद्दत व मोहब्बत रखना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया या रसूलल्लाह ये आपके किराबत दार कौन हैं जिनके साथ हमने मुअद्दत मोहब्बत रखनी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली करमला वजहो फातिमा तुज़्ज़हरा और दोनों बेटे उनके यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। फिर इसी तरह से हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि जब आयत मुबाहला नाजिल हुई थी तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर में जिन लोगों को छुपाया था और कहा था या अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं उनमें भी आपकी हस्ती और आपका खानवादा ही था। हज़रत अली करमल्ला वजहो सैयदुल फातिमा तुज़्ज़हरा इमाम हसन और इमाम हुसैन। हम सब जानते हैं कि इन तमाम लोगों के साथ क्या सलूक किया गया और हमारा दिल जो है वो उस पर तड़पता है इसलिए कि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्बत से और अपनी एहतराम और मर्तबत के मुकाम से ये तमाम हस्तियाँ हमारे लिए इंतहाई काबिल कदर काबिल इज़्ज़त व एहतराम हैं। और इससे ज़्यादा क्या और होगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जा बजा अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी जगह आईं जहाँ पर हमें पता चलता है कि वह तरजीह कैसे देते हैं वो फौकियत कैसे देते हैं। एक और आयत मुबारक जो नाजिल हुई जिसमें बहुत सारे मुफस्सरीन का ये इज्तिमा है कि ये हज़रत अली करमला वजहो क्या भी इसमें बयान है उन्हीं के बारे में आयत मुबारक जो है उसका जिक्र किया जा रहा है। जब रसूल पाक हिजरत के लिए निकलते हैं और अपने बिस्तर मुबारक पर हज़रत अली करमला वजहो को हुक्म देते हैं कि अली तुम यहाँ लेट जाओ और सुबह ये अमानतें उनके लोगों के सपोर्ट कर देना। और याद रही अमानतें उन्हीं लोगों की हैं जिनसे सता जिनसे जिनके दुख जिनके मजालिम जिनकी तकालीफ जिनकी सोबतें और जिनकी तरफ से साजिशों और जिनकी वजह से और सताए जाने के खदशे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से हिजरत इख्तियार की है और अपना शहर और अपना इलाका छोड़ दिए जाने पर मजबूर हैं। लेकिन आप वो अमानतें हज़रत अली करमला वजहो के सपोर्ट करते हैं। जब फतह खैबर की बारी आती है तो कमूस का वो किला जो किसी से फतह नहीं हो रहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुले अल्फाज में तमाम जी कदर सहाबा इकराम बैठे हैं और बताते हैं कि कल मैं अलम उस शख्स के हाथों में दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करते हैं। और अगर हमने अहादीसे मुबारक पढ़ी है कि तमाम जी कदर सहाबा इकराम सारी रात इस सोच व फिक्र में रहते हैं और दुआगो रहते हैं कि शायद उनके नाम ये एज़ाज़ निकले शायद उनके हिस्से में खुश नसीबी ये आए। लेकिन सुबह हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अलम जो है वो हज़रत अली करमला वजहो के हाथ में देते हैं। जब रिश्ते आते हैं सैयदुल फातिमा तुज़्ज़हरा के लिए तो उसमें भी बहुत सारे सहाबा कराम के भी रिश्ते आते हैं और ये नहीं कि उनके उनके मरतबे में उनके मकाम में कोई कमी है खुदा ना खास्ता। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से जिस शख्स का इंतखाब करते हैं अपनी बेटी जो कि जन्नत की औरतों की सरदार हैं उनके रिश्ते के लिए तो वो भी हज़रत अली करमला वजहो हैं। और इस तरह से बहुत सारी और ऐसी फजीलतें हैं जो उनको हासिल हैं जिनका आज हमने तस्करा करना है। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें मेरे साथ हमारे साथ ज़ुबैर साहब मौजूद हैं, ज़ुबैर यूसफी।
और बहुत खुशहाल हान माशाल्लाह से सना खान है। मनकबत की भी आज आपसे दरख्वास्त करेंगे और मनकबत के लिए हमारे साथ मोहम्मद अदील रजा साहब भी मौजूद हैं। आप दोनों की तशरीफ आवरी का शुक्रिया। हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी आज की गुफ्तगू का आगाज करेंगे। तलाश उसको न करे बुतों में, वो है बदलती हुई ऋतुओं में, तलाश उसको दिन को रात और रात को दिन बना रहा है। कौन है, कौन है, कौन है? वही अल्लाह है, वही अल्लाह है, हाँ वही खुदा साहब। हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत और इसी बहाने मुजफ्फर वारसी साहब का क्या उम्दा कलाम। सो अल्लाह ताला इस कलाम के तुफैली उनके दर्जात बुलंद करे। हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी आज की गुफ्तगू का आगाज करेंगे।